बहुत से लोग मुझे कहते रहते हैं कि भाई साहब पैसे से पैसा कैसे बनाएं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग पैसे से पैसा बना सकते हैं और मैंने कैसे जो पैसे से पैसा बनाया है आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, बहुत से लोग अपनी जिंदगी को कोसते रहते हैं, यानी उनके गरीब परिवार में पैदा हुए हो या उनके पास पैसा नहीं है या उनके परिवार में माता पिता उनके गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनके पास बजट नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी को कोसते रहते हैं भाई साहब हमारी जिंदगी वैसी है वैसी है। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर करो। सबसे पहला पॉइंट, इस चीज़ को अपनी सोच को बदलना होगा कि भाई साहब जो आपके पास में है उसी से स्टार्टअप करो। मैंने अपना जो जीवन दैनिक लाइफ जो उनसी से स्टार्ट किया, जो आप लोग अभी हो ग्रीप टाइम में जो स्टार्टअप होता है वहीं से मैंने स्टार्टअप किया, मीडियम फैमिली से स्टार्टअप किया। मेरे पास कोई बड़ा पैसा नहीं था और हमारे परिवार के पास में भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, हमने स्टार्टअप वहीं से किया जो आप अभी हो। तो ये चीज़ आप मैटर नहीं करता कि हमारे पास बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए, हमारा जो जिंदगी है जो ऐसी जगह है जो आप नर्क के बराबर कह सकते हो ऐसी चीज़, ये आप इन चीज़ों को इग्नोर करो। ये बहुत रिलेटिव है और सच है दोस्तों कि बहुत से जो बिजनेस में बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो जिन्होंने अभी तक अचीवमेंट किया है वो एक गरीब लेवल से स्टार्टअप किया है और उन्होंने गरीब से गरीब उठने की कोशिश की है और आज की डेट में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आपको इस चीज़ को अपनी जिंदगी को कोसना नहीं है कि भाई साहब हम किस्मत खराब था, वो औकात नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों को इग्नोर करो, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। कुछ पहला पॉइंट है उसे ध्यान में रखना, सोच को बदलना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर दो, जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ आप बिजनेस स्टार्टअप करो। मैंने पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने भी अपने 3 साल मैंने जो होंडा कंपनी में जॉब किया था उसके बाद में मैंने अपने दुकान को स्टार्टअप किया, दुकान को स्टार्टअप करने के बाद एक दुकान और स्टार्टअप की, इसी प्रकार हमने दुकानों को स्टार्टअप करते करते जो आज अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, हमने पहले जो स्टार्टअप अपने जॉब से किया था, जॉब से अच्छा खासा पैसा बनाया, सेविंग की, उसके बाद में हमने एक धंधे में डाला, धंधे से अच्छा अर्निंग हुआ तब हमने एक और धंधा डाला। तो ऐसे आपको करना है, पहले आपको जॉब करनी है, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको जॉब करना है, जॉब के बाद में आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है, उससे आपको अच्छा खासा अर्निंग आने लगे तब जॉब छोड़ के आप बिजनेस में आ जाओ। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको ऐसे ही नहीं कि जॉब चला और इसके बाद में जॉब छोड़ दिया आपने और धंधा पर ध्यान दे दिया तो ये आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, साइड इनकम बंद होनी चाहिए आपकी, जो मेन सोर्स है वो आपका बंद होना चाहिए। आपकी साइड इनकम बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ये मेन सोर्स जो अपना जॉब्स का है चलने दो चलने दो, जब आपका एकदम बरोबर है बिल्कुल सेम चलने लगे तब आप इस चीज़ को छोड़ के आप अपने जॉब बिजनेस लाइन में आ सकते हो और अच्छा खासा मुकाम पर पहुंच सकते हो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। नंबर 3, खर्चे कम करो। बहुत से लोग जो अपने औकात से बाहर जो चीज़ों को खरीद देते हैं, जैसे कि जो आईफोन, जो चीज़ आईफोन की जरूरत नहीं है आपको तो आईफोन मत लो, आपके कार की जरूरत नहीं है तो कार मत लो, भाई साहब आपको बाइक की जरूरत नहीं है तो बाइक मत लो, आपकी औकात नहीं है अभी तो आप मत लो, आप दिखावटी चीज़ों में मत जाओ। बहुत से लोग अपने जो जेब में जो पैसा होता नहीं है और आईफोन किस्तों पे ले आते हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को इग्नोर करो। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि हम इन चीज़ों को बिल्कुल जो इग्नोर करते हैं और हमारे को इन चीज़ों को कोई मतलब भी नहीं होता है, हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से मेरे को इनकम होती है। प्रेजेंट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ मैंने जो 2 कैमरे और भी बाय किए हैं जिनसे मेरे को अच्छी खासी अर्निंग होगी। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या वेडिंग का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सी शादियाँ होने वाली हैं, तो हमने जो अलग जो चीज़ में पैसा लगाया है प्रेजेंट टाइम में हमारे पास और भी कैमरे चल रहे हैं, बट हमने सोचा कि यार अभी इस टाइम पर बुकिंग ज़्यादा आ सकती है तो हमने 1-2 और कैमरे परचेज किए। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, पैसा हमेशा ग्रोथ करना है तो आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से आपको पैसा मिल सके, और आप फोन में और कार में बाइक में पैसा लगा रहे हो तो हमेशा आपका पैसा डूबता जाएगा लेकिन आपको पैसा ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों में इग्नोर करो, इन चीज़ों में पैसे वेस्ट इन्वेस्ट करो, दिखावटी काम मत करो, खर्चे कम करो, सीधी बात। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपके पास में ज़मीनें हैं, जो आपके आसपास में हो या दुकान हो या कोई रेंट पे कोई हो, तो ऐसी चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करो जहाँ से आपको एक साइड इनकम हो सके। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी आपके मार्केट में सेल हो रही है, आपकी कोई दुकान है कोई सेल हो रही है, आपके कोई और चीज़ें सेल हो रही है आपके मार्केट में, कुछ चीज़ें और हो रही है, तो आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहाँ से आपको एक इनकम आ सके, ठीक है। चाहे आपका कुछ दुकान हो सकती है, ज़मीनें हो सकती हैं, कुछ भी हो, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो जहाँ आपका पैसा आपका बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ की आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और इसके बाद में यदि नहीं हो रहा तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो जहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। इसके बाद में दोस्तों जो लास्ट का जो पॉइंट है, तो म्यूचुअल फंड में इनमें जो आप पैसा लगाओ जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, आपको अभी नहीं मिलेगा तुरंत ही, लेकिन मिल सकता है बाद में 5 साल 7 साल 10 साल बाद आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, पैसा आपका मोटा कट्टा सेविंग हो जाएगा और अच्छा आपका पैसा बन जाएगा, तब आप और भी अलग अलग धंधों में पैसा लगा सकते हो, अलग अलग इनकम सोर्स बिल्डअप कर सकते हो जो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है आगे। नंबर 5, 5वां रूल ये है दोस्तों कि आप जो भी खर्च करते हो, चाहे वो आपका आपका जॉब की सैलरी हो सकती है या आपका जो भी आपका दुकान का पैसा हो सकता है या बिजनेस का पैसा हो, जो भी आपके पास में पैसा है, जो भी आप खर्च कर रहे हो या जो भी हो रहा है हिसाब, वो आप हिसाब रोजाना लिखा करो। बहुत से लोग मैंने देखा है वो रोज का रोज अपना हिसाब नहीं लिखते हैं, तो इससे आपका नुकसान होगा।
क्योंकि सच बता रहा हूँ दोस्तों, आपको ये चीज़ पता नहीं होती है कि भाई साहब कल हमने क्या खर्च किया, कल हमने वहाँ पे पैसे कैसे दिए और कौन से जगह दिए थे, क्या उसका क्या काम था, ये हमारे दिमाग से निकल जाता है। 10 दिन बाद हमारे को पता नहीं रहेगा कि हमने उस तारीख को कौन सा पैसा दिया था, कितना पैसा दिया था, कोई पता नहीं रहेगा। तो हमेशा हिसाब जरूर लिखो अपना, जो भी हो रहा है महीने का काउंट को करो, उसको देखो कि कितना बजट जा रहा है बाहर, कितना क्या है और आपके पास में कितनी सेविंग रही है। ये सब चीज़ आप नोट डाउन करो, समझो और हिसाब से हिसाब रखो, कि ऐसा ना हो कि आपको जो कमा रहे हो 10,000 और आप उड़ा रहे हो 10,000, 12,000, 15,000, तो ये आपके लिमिट से बाहर हो जाएगा। तो हमेशा आप हिसाब लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि भाई साहब 2,000 गया है इस महीने, 3,000 जाने वाला है या 4,000 जाएगा, और ये जो 6,000 गया है तो उसके लिए गया है, तो आपको इस चीज़ का आइडिया रहेगा। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखो, हिसाब बरोबर लिखा करो। तो दोस्तों ये थे कुछ मेरे 5 सीक्रेट जो मैंने आपको बताए हैं, और रियलिटी में सच में बता रहा हूँ, ये मैंने खुद आजमा के देखा है और मैंने भी कुछ अचीवमेंट किया है जो मैंने आपको दिखाया है। मेरी जो खुद दुकानें चल रही हैं, इसके साथ में जो आउटडोर फोटोग्राफी भी हूँ, इसके साथ में मेरे जो यूट्यूब चैनल 4 चल रहे हैं, इससे भी मेरे को अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें रियल हैं, सच है, इसके साथ में अर्निंग बहुत अच्छी होती है। मैं जो जो चीज़ें कर रहा हूँ सब चीज़ें एकदम रिलेटेड हैं और अच्छा एक इनकम बिल्डअप कर रहा हूँ, और इसके साथ में प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को अच्छे से अर्निंग होने वाली है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, सच बता रहा हूँ। इन चीज़ों को फॉलो करके देखना एक बार, बहुत अच्छा अचीवमेंट करोगे अपनी ज़िंदगी में, बहुत अच्छे आगे जाओगे।